हैप्पी बर्थडे रोहित। अरे ये रोहित किस लड़की के साथ सो रहे हैं? इसका मतलब मैं बॉर्डर पर चली जाती हूँ। ये अनजान लड़के को घर पर बुलाते हैं, उसके साथ सोते हैं। इसका मतलब रोहित मुझे धोखा दे रहे हैं। मैं काम करती हूँ, मैं इनकी वीडियो बना लेती हूँ, फिर इनकी बहन को दिखाऊंगी। वो बहुत बोलती है ना कि मेरा भाई बहुत सीधा है। ये वन की वीडियो, अब जाकर इनकी बहन को दिखाती हूँ। दीदी तुम इस कमरे में बैठी हो, आपको कुछ पता भी है कि इस घर में चल क्या रहा है? अरे भाभी, आप बॉर्डर से कब आई और ऐसा क्या हो गया जो आप ये सब बोल रही हो? आप कहती थी ना कि आपके भैया बहुत शरीफ हैं, वो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। हाँ भाभी, मेरे भैया बहुत शरीफ हैं और मैं अच्छे से जानती हूँ अपने भाई को। वो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकते। अच्छा तो तुम अपने भाई पे पूरा भरोसा है? अभी दिखाती हूँ तुम्हारे भाई की सच्चाई। ये देखो इस वीडियो में क्या है। क्या भैया एक लड़की के साथ बेड पे सो रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अब इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए तुम्हें? खुद अपनी आंखों से देख लो अपने भाई की करतूत। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं भैया पे बहुत विश्वास करती थी, पर मुझे यकीन नहीं था भैया ये सब कर सकते हैं। इसका मतलब भैया आपको धोखा दे रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चलो चलते हैं भैया के कमरे में और उन्हें हम रंगे हाथों पकड़ते हैं। हाँ ठीक है चलो। चलो ये देखो हाँ भाभी, आप तो बिल्कुल सही कह रही हो, भैया तो किसी लड़की के साथ लेटे हैं। अभी रुको, मैं बताती हूँ इन्हें। रुको, तुम अपने भैया को मत जगाओ, मेरे साथ बाहर चलो, मेरे पास एक प्लान है। ठीक है चलो। तुम एक काम करो, अभी तुम अपने भैया को बाहर बुलाओ, जब देखते हैं तुम्हारे भैया कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ। ठीक है भाभी। भैया, अरे भैया बाहर तो आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे क्या हो गया इसको, सही से सोने भी नहीं देती, सुबह ही सुबह इतनी जल्दी जगा देती है। हाँ ठीक है आ रहा हूँ। और हाँ तो यहीं पर सोते रहना, बाहर आने की जरूरत नहीं है जब तक मैं ना कहूँ। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही थी? अरे मानसी, तुम बॉर्डर से कब आई? अरे तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं आ जाता तुम्हें बस स्टैंड से लेने के लिए। अरे रोहित, तुम्हारे पास टाइम कहाँ है मुझे लाने के लिए? अरे मानसी तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे टाइम के लिए मैं क्या कर रहा था, मैं तो घर पर खाली बैठा था। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? आज तुम्हें हो क्या गया है जो तुम ऐसी बातें किए जा रही हो? अरे तुम मेरी बीवी हो, और एक पति अपनी बीवी से प्यार नहीं करेगा तो फिर किससे प्यार करेगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, हमारी शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं और आज तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? अगर तुम उससे इतना प्यार करते हो तो वो लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ बेड पे सो रही है? भैया आपको शर्म नहीं आ रही भाभी को धोखा देते हुए? पूरे दिन वो आपके लिए धूप में खड़ी रहती हैं और इतनी मेहनत करती हैं और आप ये सब कर रहे हो? अगर तुम लोगों को मेरे बारे में सब कुछ पता चल ही चुका है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें बता देता हूँ कि बेड पर जो लड़की सो रही है ना, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड है। और हाँ, वैसे भी तेरी भाभी के पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है। अरे जब भी मैं इसके लिए फोन करता हूँ तो कहती है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और आज तक कभी भी इसने ना मुझे रिटर्न कॉल नहीं की है। अरे मुझे भी तो टाइम चाहिए, इसीलिए मैंने उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। और तुम्हारे ना रहने पर वो घर पर मेरे साथ ही रहती है। रोहित, ये तुम शादी के 5 साल बाद बोल रहे हो कि तुम्हें टाइम चाहिए? अरे मैंने तुम्हें तो शादी से पहले ही बता दिया था कि मैं फौज में हूँ और मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी, उसके बाद तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ मुझे पता था कि तुम शादी से पहले से ही फौज में हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शादी के बाद हर समय तुम बॉर्डर पर ही रहोगी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाओगी। अगर पहले से पता होता ना ये सब तो मैं तुमसे भूलकर भी शादी नहीं करता। खैर ये सब बातें छोड़ो, अब इन बातों से कोई फायदा नहीं है और वैसे भी मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं जाने से पहले उस लड़की को देखना चाहती हूँ जिससे तुम इतना प्यार करते हो। लेकिन मैं जाने से पहले उस लड़की से मिलना चाहती हूँ जिससे तुम इतना प्यार करते हो। अगर उससे मिलने की तुम्हारी इतनी ही ख्वाहिश है तो फिर वो ख्वाहिश भी मैं तुम्हारी पूरी कर देता हूँ, अभी बुलाता हूँ उसके लिए। अरे शालिनी बाहर आ जाओ। ये लो मिल लो इससे, यही है वो जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई दूसरे के घर में आग लगाते हुए?
अरे जब तुम्हें पता है कि रोहित शादीशुदा है फिर भी तुम उसके साथ सो रही हो? भैया भाभी के बारे में तो एक बार सोच लिया होता, जब वो ये सब देखेंगी तो क्या सोचेंगी आपके बारे में? अरे तुम्हारे सोचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मेरे दिल में था वही मैंने किया। अच्छा अगर तुम इसी के साथ खुश हो ना तो तुम इसी के साथ रहो, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। रुको, अगर तुम इस घर को छोड़कर जा ही रही हो तो कम से कम एक बार इसका चेहरा भी तो देख लो जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसके बाद चले जाना। शालिनी चेहरा दिखा दो अपना। सरप्राइज भैया, आप यहाँ कब आए और ये सब क्या है? देखो भाभी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जैसा भैया ने मुझसे बोला मैंने वैसे ही करा, ये सब इन दोनों का ही प्लान था। क्यों मानसी कैसा लगा तुम्हें हमारा ये सरप्राइज? इसके चेहरे को तो देखो पूरी तरह से डर चुकी है। और हाँ तुम्हारे भाई को ना इस प्लान के बारे में मैंने ही बताया था और हम दोनों ने मिलकर के ये प्लान बनाया था कि हम तुम्हें कैसे डराएं। अरे मैं तो वाकई में डर गई थी, मुझे सच में ऐसा लगा कि रोहित मुझे धोखा दे रहे हैं। अरे मानसी तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? अरे जितना प्यार तुम इस देश से करती हो ना उतना प्यार मैं तुमसे करता हूँ, तो तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और ये सब तो हमने इसलिए किया था क्योंकि हम देखना चाहते थे कि ये सब देखने के बाद तुम्हारे फेस का रिएक्शन कैसा रहेगा, और देखो सभी ने ना एकदम परफेक्ट एक्टिंग की है। हाँ यार मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा। अब वहीं पर खड़ी रहोगी या फिर घर के अंदर भी आओगी? हाँ हाँ ठीक है चलो आओ।